वेलकम बैक। हाउस प्लांट 27x40 फीट का, जो कि टोटल 1080 स्क्वायर फीट का होगा। इसमें एक पार्किंग लार्ज, 3 बेडरूम, किचन, बाथरूम और एक लॉन एरिया प्रोवाइड किया गया है। हर एक पार्ट के प्लॉट के पार्ट को यूज किया गया कम्प्लीटली, और ये कम्प्लीट वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। ये एक प्रॉपर आइडियल हाउस प्लान है, जो कि एक प्रॉपर नीड जो होता है हाउस का, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है। इसके डायरेक्शन की बात करें तो कम्प्लीट हाउस साउथ फेसिंग होगा, और इसमें विंडो ईस्ट वेस्ट रखा गया है ताकि प्रॉपर सनलाइट आ सके। वीडियो के हर एक पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे, और लास्ट में कितना कॉस्टिंग आएगा उसको भी डिटेल्स में देखेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले। तो हम पहले अब इसके पार्टीशन वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ विंडो देना है वो स्पेस हम येलो कलर से मार्क कर लेते हैं, ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए। इसमें एक काफ़ी लार्ज लॉन रखा गया है 3 फीट का। विंडो की बात करें तो आप अपने नेबर ओपनिंग स्पेस के हिसाब से विंडो छोड़ सकते हैं, और एक साइड तो हमारा लॉन हो जाएगा जिसमें कि सारा विंडो ओपन होगा। अब हम मेन डोर और इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो ये हमारा मेन डोर हो जाएगा, एंट्रेंस डोर काफ़ी लार्ज रखा गया 13 फीट का, और उसके जस्ट बाद हमारा पार्किंग एरिया होगा। ये पार्किंग स्पेस काफ़ी लार्ज रखा गया, इसमें आप एक कार और एक बाइक ईजिली स्टैंड कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन 13x14 फीट की हो जाएगी। पार्किंग स्पेस में ही एक स्टेयर दिया गया है, जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए होगा। आप फर्स्ट फ्लोर रेंट पे लगाते हैं तो आपके प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके जस्ट बाद हमारा ये लॉन वाला एरिया हो जाएगा 3 फीट, जो कि इस साइड से लास्ट पीछे तक 3 फीट विड्थ रखा गया है, ताकि इस साइड का सारा विंडो लॉन स्पेस में ओपन हो। लॉन आप ग्रीन रख सकते हैं या फिर वॉकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस ये 3 फीट विड्थ की होगी। हम बात करते हैं मेन डोर की, तो ये हमारा मेन डोर हो जाएगा, जो कि 4 फीट विड्थ का है। डोर के डायमेंशन की बात कर ले तो ये आप 4x8 फीट रख सकते हैं, डबल डोर या सिंगल डोर आप पे डिपेंड करता है। अब हमारा ये लिविंग एरिया हो जाएगा, जो कि मेन डोर के जस्ट बाद होगा। ये इसकी डायमेंशन 14x13 फीट की हो जाएगी, काफ़ी लार्ज स्पेस हो जाता है। और साथ में लिविंग एरिया में ही डाइनिंग टेबल को अरेंज किया गया है, और डाइनिंग टेबल के जस्ट साइड में हमारा एक किचन होगा। इस साइड से इस लिविंग एरिया की डायमेंशन 13 फीट हो जाएगी कंप्लीट किचन तक का, और इस साइड से 14 फीट, और एक लार्ज विंडो ओपन किया गया है इस साइड से। अब हम बात करते हैं किचन की, जो कि डाइनिंग टेबल के जस्ट साइड में है। तो ये हमारा किचन 8x9 फीट का हो जाएगा, और ये डोर आप ओपन रख सकते हैं आग के फॉर्म में, और एक विंडो किचन का लार्ज ओपन लॉन एरिया में होगा, ताकि प्रॉपर सनलाइट आ सके। किचन के जस्ट आउटसाइड डाइनिंग टेबल अरेंज किया गया है। किचन का जो आउटर वॉल है वो आप एज अ पार्टीशन यूज कर सकते हैं, वुडन फिनिश पार्टीशन होता, ताकि डाइनिंग टेबल और किचन में देखा जा सके। उसके बाद बात करते हैं हम ये कॉमन लेट बात की, जो कि 4x8 फीट का रखा गया है, काफ़ी लार्ज है। इसमें आप एक वॉशिंग मशीन भी अरेंज कर सकते हैं, वेंटिलेशन वाला लॉन एरिया में ओपन होगा। अब हम बात कर लेते इसके तीनों बेडरूम की, तो कंप्लीट हाउस 3BHK का होगा। तो ये हमारा बेडरूम फर्स्ट हो जाएगा, जो कि जिसकी डायमेंशन 10x11 फीट रखी गई, काफ़ी लार्ज है, और इसका दोनों विंडो लॉन स्पेस में ओपन होगा। इसकी साइड से 10 फीट और इस साइड से 11 फीट की विड्थ हो जाएगी, और विंडो ये लॉन स्पेस में ओपन होगा, ताकि प्रॉपर सनलाइट और एयर आ सके। ये एक इस साइड से विंडो हो जाएगा। अब हम बात इसमें आप टीवी और कैबिनेट अपने हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बेडरूम की, तो ये बेडरूम सेकेंड हो जाएगा। ये डोर हो जाएगी 3 फीट विड्थ की, ये डोर बेडरूम सेकेंड हो जाएगा, जिसकी डायमेंशन 11x11 फीट रखा गया है। इस साइड से हमारा 11 फीट और इस साइड से 11 फीट हो जाएगा, और इसका भी एक लार्ज विंडो लॉन स्पेस में ओपन होगा, ताकि प्रॉपर सनलाइट और एयर आ सके बेडरूम सेकंड में। अब बात करते हैं उसी के जस्ट बिसाइड बेडरूम थर्ड, ये डोर हो जाएगी सिमिलर 3 फीट, और ये बेडरूम थर्ड हो जाएगा। इसकी भी डायमेंशन बेडरूम सेकंड के सिमिलर होगा, 11x11 फीट का, जो कि इस साइड से 11 फीट
और इस साइड से 11 फीट हो जाएगा। दोनों बेडरूम काफ़ी लार्ज रखा गया है और एक विंडो हमारा इस साइड ओपन होगा। बाथरूम का विंडो भी इन साइड ओपन होगा, 2 फीट आप रख सकते हैं। लॉन वाले एरिया की बात करें तो 3 फीट विड्थ होगी और हमारा इस बेडरूम से लेके फ्रंट तक ओपन होगा। आप यहाँ पे इसे वॉकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, पूरा ग्रीन आप रखते हैं तो है। तो फर्स्ट फ्लोर को एज ए रेंट लगा सकते हैं, इसलिए स्टेयर आउटसाइड फ्रॉम हाउस दिया गया है और सारा कुछ एज इट इज फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। बस ये पार्किंग वाला एरिया ओपन टेरिस हो जाएगा और आप चाहे तो इसे रेंट पे लगा सकते हैं या फिर अपने नीड और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसकी आउटर वॉल की बात कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हाउस की आउटर वॉल 5 इंच रखी गई है और पार्टीशन वॉल भी 5 इंच रखा गया है। इसमें कंप्लीट वास्तु के हिसाब से हाउस प्लान बनाया गया है। अब हम इसमें नंबर ऑफ पिलर काउंट कर लेते हैं, कितना हम पिलर यूज कर सकते हैं। ये नंबर घटिया बढ़ भी सकता है, आपके मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें कंप्लीट हाउस में आप 13 पिलर यूज कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो ये नंबर घटिया बढ़ भी सकता है। अगर आप एज इट इज रखते हैं तो मिनिमम इसमें आपको 13 पिलर यूज करना होगा। पिलर की डायमेंशन 10 इंच बाय 10 इंच हो जाएगी G+2 फ्लोर तक के लिए। कंप्लीट लेंथ इस साइड से हमारा 14 फीट हो जाएगा और इस साइड से 27 फीट। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग की बात करें तो कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर को बनाने में अप्रॉक्स 14.5 लाख रुपया लग जाएगा। इसे चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, तो ये कॉस्ट बढ़ सकता है। तो ये आज का हाउस प्लान 27 बाय 40 फीट का। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।